हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके शर्मा, जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मैंने बताया तीन एंजाइम होते टूल्स में, मैंने बताया पहला होता है एंजाइम, दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा होता है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें मैंने कल पढ़ाया था, थोड़ा सा दिखाया भी था, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है उसी के विषय में लिखवाया था, टाइप नहीं बताया था, टाइप आज बताएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जहाँ आपने लिखा है वहाँ पर चाहे ऊपर चाहे नीचे तीर का निशान बना के ऐसे लिख लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, लिख लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वाज डिस्कवर्ड बाई, कौन खोजा था, पूछता है एक नंबर क्वेश्चन, इसलिए बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वाज डिस्कवर्ड बाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज वाज डिस्कवर्ड बाई डब्ल्यू आर्बर, ये लिखे हुए डब्ल्यू आर्बर 1962 डब्ल्यू आर्बर 1962 हो गया, डब्ल्यू आर्बर 1962 फुल स्टॉप हो गया। अब हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ आर ई, आर मतलब रेस्ट्रिक्शन, ई फॉर इंडो न्यूक्लियस। मैं आपको कल से बताया तो हूँ, हेड डालेंगे टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। इसमें तीन प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, हैंड डाले टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज उसको समझा दे पहले तो लिख पाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो देखें, हाँ, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यहाँ पे लिखा हुआ हो आर ई। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तीन प्रकार का होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होता है, तीन प्रकार का, थ्री टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तीन प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है उसका उपयोग होता है, तीन प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है उसको पढ़ाया जाता है, जिसमें से पहला है आर ई फर्स्ट, दूसरा आर ई सेकेंड, तीसरा आर ई थर्ड, ठीक। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज मैंने कल बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक पॉइंट पर काटता है, जहाँ से वो काटता उसको बोलते पालिंड्रोमिक सीक्वेंस, समझ रहे हैं ना, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस। वो ऐसा सीक्वेंस होता है जो दो थ्रेड, अगर दो थ्रेड ऐसे लगे होते हैं ना डीएनए का, अरे एक थ्रेड ऐसे होगा एक थ्रेड ऐसे होगा ना, तो डीएनए थ्रेड लगा होता है ना, वो डीएनए के थ्रेड पे पीछे से और आगे से, मतलब अगर 5' 3' डायरेक्शन अगर इधर से पढ़ेंगे तो 5' 3' डायरेक्शन इधर मिलेगा, दोनों थ्रेड पे जब भी 5' 3' डायरेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो सीक्वेंस होंगे वो सीक्वेंस बिल्कुल सेम होंगे, समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस सेम पढ़े जाएंगे और सेम प्रकार के होंगे, अभी बताएंगे उसको, बार बार भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, आर ई फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, आर ई फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट जो होता है इसमें क्या क्या होता है आपको पता है, मैग्नीशियम आयन, मतलब ये क्या इसमें क्या यूज़ होता है, मैग्नीशियम आयन उसको चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और कोफैक्टर के रूप में सैचुरेटेड एडेनोसिल मेथियोनाइन यूज़ होता है, समझ रहे हैं ना, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेगा, लेकिन उसके लिए तीन चीज़ की आवश्यकता होगी, और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहला मैग्नीशियम आयन, दूसरा एटीपी है, तीसरा सैचुरेटेड एडेनोसिल मेथियोनाइन है कोफैक्टर के रूप में, सैचुरेटेड एडेनोसिल मेथियोनाइन एज कोफैक्टर, कोफैक्टर के रूप में है ना,
आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें ये सब तीन चीज़ कौन ला के देगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। दूसरा होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड जो होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड, ये मैग्नीशियम आयन, ये क्या है, इसको केवल क्या रिक्वायर्ड होता है, केवल मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, क्या काटने के लिए, डीएनए काटने के लिए। डीएनए काटने के लिए मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा देगा, डीएनए मारने का छक से कट जाएगा, बकड़ारा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कटेगा। तो ये ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज होता है, समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक। तीसरा होता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थर्ड, यह भी पाल एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही काटेगा, किस पे काटेगा, स्पेसिफिक पॉइंट पर ही काटेगा, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे स्पेसिफिक पॉइंट पे काटेगा, लेकिन पिक्यूलियरिटी होगी, और वो पिक्यूलियरिटी क्या होगी, इसमें मैग्नीशियम आयन इसको भी चाहिए, एटीपी चाहिए, लेकिन एडेनोसिल मेथियोनाइन थोड़ी मात्रा में चाहिए होगा, एडेनोसिल मेथियोनाइन क्या होगा, लेस अमाउंट में चाहिए होगा, एडेनोसिल मेथियोनाइन लेस अमाउंट में चाहिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, सबसे ज़्यादा उपयोग क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड का। तो फिर से आप एक मिनट सुन लीजिए, थ्री टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फाउंड आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, आर यू कैन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आर यू कैन से एज अ सीजर ऑफ डीएनए, सीजर ऑफ डीएनए, यस सी आई डबल एस ओ आर, सीजर ऑफ डीएनए, व्हाट विल बी हैपेंड, व्हाट विल बी हैपेंड व्हेन यू पुट द डीएनए मॉलिक्यूल डबल थ्रेड, सी हियर ऑन द ग्रीन बोर्ड, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, कट द डीएनए डबल हेलिक्स, कट द डीएनए डबल हेलिक्स, आर यू कैन से कट द डीएनए डबल थ्रेड एट स्पेसिफिक पॉइंट एट द पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन एटीपी एंड सैचुरेटेड एडेनोसिल मेथियोनाइन एज को फैक्टर, एज को फैक्टर। इट इज नॉट वाइडली यूज इन, इट इज नॉट वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, आर यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग आर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड, इट कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक पॉइंट बोथ स्ट्रैंड आर यू कैन से बोथ हेलिक्स, इट कट्स द बोथ डीएनए थ्रेड एट स्पेसिफिक पॉइंट आर यू कैन से डिजायर्ड पॉइंट, दे रिक्वायर्ड ओनली व्हाट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन। सो यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस सेकेंड इज इजी, hence widely used in where widely used in cutting of DNA biotechnology. Next R is third, restriction endonuclease third, restriction endonuclease third is also responsible for cutting the DNA at the specific point, cutting the DNA at a specific point. Or you can say palindromic sequence, but it required magnesium ion, ATP, and less amount of saturated adenosyl methionine. It is all about restriction endonuclease third, restriction endonuclease. तीन प्रकार restriction endonuclease ये हो गया। तो आप heading डाले हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, उसके विषय में लिख लीजिए थ्री टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं डाले हैं ना, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैं डाले होंगे, उसमें लिखेंगे न डाले होते हैडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हो गया, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस।
लिखिए उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर थ्री टाइप्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर थ्री टाइप्स, हो गया थ्री टाइप्स। अगर अगल बगल कहीं लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, हम एक एक लाइन लिखवा दे रहे हैं। पहला हेड डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट। हाँ लिखिए, लिखिए उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फर्स्ट, cuts the two strand of DNA molecule, two strand दोनों धागे, two strand of DNA molecule at a specific point at a specific point, full stop. It requires magnesium ion, it requires magnesium ion, ATP, ये लिखा हुआ magnesium ion ATP, magnesium ion ATP कमा सेचुरेटेड एडिनोसिल मेथियोनाइन, ये लिखा हुआ सेचुरेटेड एडिनोसिल मेथियोनाइन एज कोफैक्टर, सेचुरेटेड एडिनोसिल मेथियोनाइन एज कोफैक्टर, हो गया फुल स्टॉप। It is not widely used in biotechnology. हो गया। नेक्स्ट हेड डालेंगे आर ई सेकेंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सेकेंड, हेडिंग लिख लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज सेकेंड, लिखिए उसमें, हाँ लिखिए आर ई सेकेंड cuts the DNA molecule, cuts the DNA molecule double helix, cuts the DNA molecule double helix, HLA होता है double helix, cuts the DNA molecule double helix at particular site at particular sequence, full stop. It requires only magnesium ion, ये लिखा हुआ, it requires only magnesium ion, हो गया मैग्नीशियम आयन फुल स्टॉप।
स्टाफ. इट इज़ वाइडली यूज इन, इट इज़ वाइडली, डब्ल्यू आई डी ई एल वाई होता है ना, डब्ल्यू आई डी ई एल वाई. इट इज़ वाइडली यूज इन, इट इज़ वाइडली यूज इन, वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर, वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर कटिंग द, फॉर कटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट, कटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर आर डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर आर डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट ओवर आर डिजायर्ड जीन. डिजायर्ड जीन एंड प्लाज्मिड, एंड प्लाज्मिड हो गया, एंड प्लाज्मिड फुल स्टॉप. तीसरा एंड डालेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थर्ड, तीसरा एंड डालेंगे रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थर्ड, ये आर ई थर्ड. आर ई थर्ड लिखिए, आर ई थर्ड, हाँ लिखिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थर्ड, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थर्ड, थर्ड कट्स द डीएनए डबल हेलिक्स, कट्स द सी यू टी एस, कट्स द डी एन ए डबल हेलिक्स. आर थ्रेड भी लिख सकते हैं, कट द डी एन ए डबल थ्रेड, डबल स्ट्रैंड, डबल थ्रेड डबल स्ट्रैंड एट पार्टिकुलर साइट, एट पार्टिकुलर साइट, एट पार्टिकुलर साइट, एस आई टी ही साइट में दे दिए, पार्टिकुलर साइट एक स्पेसिफिक स्थान से, पार्टिकुलर साइट. पार्टिकुलर साइट फुल स्टॉप. इट रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्ड इसको आवश्यक होता है, इट रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन एटीपी एंड लेस सैचुरेटेड, एंड लेस सैचुरेटेड एडनोसिल मेथियोनाइन, लेस सैचुरेटेड एडनोसिल मेथियोनाइन, लेस ऐसे करिएगा, लेस सैचुरेटेड एडनोसिल मेथियोनाइन एज कोफैक्टर, एज कोफैक्टर हो गया, एज कोफैक्टर. हाँ सर, एज कोफैक्टर हो गया, एज कोफैक्टर फुल स्टॉप. इट इज़ नॉट वाइडली यूज्ड इन, it is not widely used in, it is not widely used in widely, not widely used in, it is not widely used in widely used in बायोटेक्नोलॉजी,
नॉट वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। हो गया, ये तो नहीं एंजाइम हो गए। एक बिना नंबर नंबर का एक हेडिंग बता रहा हूँ, पालिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक नंबर में पूछता है, वैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जानना भी चाहिए आपको। हो गया, तो इसमें आप देखें, ये है पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, POLINDROMIC, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, CQUENCE, सीक्वेंस, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है ये जानना है आपको। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस काटता है डीएनए को, वही पहचानने वाला केंद्र सेंटर होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है, कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, अगर दो थ्रेड, इधर देखिए डीएनए का डबल थ्रेड है, ठीक है, ये डबल थ्रेड है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, 1 2 3 4 5 6, एकदम सामने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ रहे हैं ना। तो ये इस पे ऐसे सीक्वेंस लिखे हुए होंगे जो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सेम होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में सेम होगा। बात समझ रहे हैं ना, इधर से पढ़ेंगे तो ये सेम होगा, इधर से पढ़ेंगे तो इधर से ये सेम होगा। हो गया ना, एंटी, क्योंकि डीएनए का डबल हेलिक्स जो होता है एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मतलब समझ रहे हैं ना, समानांतर होगा मगर उल्टा होगा। समानांतर तो लगा हुआ दोनों थ्रेड, लेकिन उल्टा, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, बोलिए ना, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है ना। तो ख्याल करिएगा, एंटी पैरेलल, समानांतर तो हैं, समानांतर तो हैं, लेकिन क्या है, एंटी पैरेलल हैं, समानांतर तो हैं मगर क्या है, एंटी पैरेलल हैं। आप देखिए, अगर इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है GAA, छह सीक्वेंस का है, तो यहाँ से GAA, अब आप तो जानते हैं इसके सामने A के सामने क्या होगा, T, A के सामने क्या होगा, T, G के सामने क्या होगा, C, फिर इधर देखिए, G के सामने क्या होगा, C, A के सामने क्या होगा, T, और A के सामने क्या होगा, T, बोलिए ना, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब देखो, दोनों जिस थ्रेड पे आप पढ़ोगे, जो दोनों थ्रेड हैं एंटी पैरेलल, 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा, बिल्कुल सेम, देखिए 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन ये है ना, इसे आप पढ़ रहे हैं GAATTC, यही पढ़ रहे हैं ना। अरे देखो ना, GAATTC, GAATTC, ठीक। अब देखिए, इधर 5 प्राइम डायरेक्शन जब पढ़ेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखिए ना,
जी ए ए टी टी सी एंटी पैरेलल है और दोनों सीक्वेंस जो है एंटी पैरेलल है, दोनों सीक्वेंस अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना, जी ए ए टी टी सी हुआ। अब देखिए जी ए ए टी टी सी हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मैं बता रहा था आपको, ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। क्या होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो इसमें आप लिखना चाहें तो लिख लें, लिखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के विषय में, इसको बनाना भी पड़ेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अभी इसको लिख बना भी लेंगे, लिखेंगे, पहले लिख लीजिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, लिखिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर दो सीक्वेंस एट विच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक्ट्स, एट विच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक्ट्स फर्स्ट ऑफ दिस सीक्वेंस आर व्हेन रीड 5' to 3' direction same at both strand हो गया, एट बोथ स्ट्रैंड। ओ आर आर का दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर अरेंज्ड इन एंटी पैरेलल PARALLEL direction if these sequence are read forward and backward direction are similar हो गया, फुल स्टॉप। इसको बना लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन पूछा, चाउ डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फिगर बना लीजिए। देखो जी ए ए टी टी सी, ये 5' to 3' direction है ना, जी ए ए टी टी सी, ठीक। अभी इधर 5' to 3' direction पढ़ेंगे तो जी ए ए टी टी सी एकदम सेम जैसे ये है, इस पर ये एक्सरसाइज है, तो आप स्कूल बना लीजिए। क्या है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बना लीजिए, मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।